आपके चित्त में राम ऐसे बस जाएं, आंखें डबडबाने लगे, हृदय गदगद होने। बहुत से लोग हमसे पूछते महाराज हमारी पूजा स्वीकार हो रही कि नहीं, इसका पता कैसे पता लगेगा, हमारी भगवान सेवा स्वीकार कर रहे कि नहीं, भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं, इसका पता कैसे लगेगा। याद रखो, जब जब पूजा करते समय, भगवान की सेवा करते समय, अर्चन वंदन निवेदन जब तब ध्यान विधि योग जब करते समय आपके चित्त में हृदय गदगद होने लगे, आंखें भरने लगे, समझना भगवान ने तुम्हें याद किया है। जगत की कामना को लेकर नहीं कि तुम लड़का बिटिया के चक्कर में रो दो, महाराज लड़का को ब्याह नहीं हो रहा, ठक जी के बरियो, ऐसा तो चाहे जब व्यक्ति रो पड़ेगा। स्वभाव बस भगवान को देखकर, जिस संत को देखकर, जिस गुरु को देखकर, जिस भगवान के विग्रह को देखकर तुम्हारे चित्त में भगवान की भक्ति जगने लगे, समझ लेना कि ये साधारण नहीं है। जिस पूजा को करते समय तुम्हारी आंखें बार बार भरने लगे, जिस कथा को सुनकर के तुम्हारा चित्त बार बार द्रवीभूत होने लगे, समझना ये साधारण नहीं है, हमें भी आज प्रभु ने याद किया है। ये प्रमाण पत्र है। भगवान देखने का विषय नहीं है, भगवान चखने का विषय नहीं है, भगवान स्पर्श करने का विषय नहीं है। ब्राह्मणों आचार्यों, भगवान तो अनुभव का विषय है। रामायण में गोस्वामी जी की पंक्ति कह भी रही, शिव वाक्य कह रहे, उमा कहावों में अनुभव आपको, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत, सत्य केवल भगवान का भजन है, जगत सब सपने के। भागवता कार ने भी लिखा, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम। भागवतकार कहते हैं जो फल योग से नहीं मिल सकता, तप से नहीं, जप से नहीं, महात्म में आया है, कलऊ केशव कीर्तना, वो फल कलयुग में केवल गोविंद का कीर्तन करने से मिल जाएगा। भागवत के अंत में भी इस बात को लिखा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन ही सार है, बाकी साफ। लेकिन चतुर व्यक्ति को समझाए कौन, जो आदमी हो तो महाराज राम राम करे, का हो कछु बोले, जिंदगी कर गई राम राम करे, अरे कानी होता राम राम करे। लेकिन चतुर व्यक्ति को समझाना, जो मूर्ख होते उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल। लेकिन मूर्खों को जब शेर से सभा से जोड़ जाए तब ठिकाने।